मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर कुमार स्वामी ने उड़ाया मजाक। आने वाले 19 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी गुलबर्गा जिला को आने वाले हैं। इसी बीच आज गुलबर्गा जिला सेडम में रहे पूर्व सीएम और जेडीएस लीडर कुमार स्वामी ने प्रधानमंत्री के आगमन पर इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है और कहा कि बंजारा समाज के लोगों को उनके जमीन के कागजात देने के लिए बीजेपी वालों ने प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया है, जबकि ये काम कोई ग्राम पंचायत सदस्य भी कर सकता है। शर्म आनी चाहिए इन बीजेपी वालों को, कहा कुमार स्वामी ने। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने की चोरों की गिरफ्तारी। बेंगलुरु शहर के गिरिनगर पुलिस की ओर से 3 की गिरफ्तारी की गई है। कुछ दिन पहले भारत प्रोविजनल स्टोर में दरवाजा तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था चोरों ने। इस पर सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने कार्तिक भरत सतीश की गिरफ्तारी करते हुए इनसे एक बाइक और नकद पैसे जब्त कर ली है पुलिस। ये चोर कई पुलिस थाना इहातों में ऐसे कई चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात पुलिस इंक्वायरी में पता लगी है। रिटायर्ड एडीजीपी भास्कर राव ने किया दरगाह का दौरा। चुनाव के नजदीक सभी पार्टियां जनता को दिन में तारे दिखाते हुए प्रचार में लगे हैं। इसी तरह आम आदमी पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट रिटायर्ड एडीजीपी भास्कर राव ने शिमोगा में रहे सैयद शमील दीवान दरगाह का दौरा करके स्थानीय अल्पसंख्यक जिम्मेदारों के साथ बातचीत करते दिखे भास्कर राव, जबकि कल ही समीर को लेकर जिले में मामला गरमाया हुआ था। हर घर 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया कांग्रेस ने। बेलगाम के चिक्कोड़ी में चल रहे कांग्रेस के प्रोग्राम में केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने अपने चुनावी प्रचार में बड़ा वादा करते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली माफ की जाएगी, कहकर अपने प्रचार में लगे हैं कांग्रेस के नेता। ये तो तब ही पूरा होगा जब इनकी सरकार बनेगी कि सच में अपने वादे पर खरी उतरेगी कांग्रेस, क्योंकि कुछ लोगों ने इससे पहले भी रोजगार अच्छे दिन के वादे करके जनता को महंगाई और बेरोजगारी जैसे बड़े झटके दिए हैं। क्या जनता ऐसे वादों पर भरोसा करेगी दोबारा? बीजेपी एमएलए की क्लास ली जनता ने। गदग जिला लक्ष्मेश्वर में बीजेपी विधायक रामण्णा लमानी की ओर से बूथ विजय अभियान का चालन करने पहुंचे एमएलए साहब को जनता ने क्लास ली के सिर्फ चुनावी प्रचार में आकर बाकी समय कोई सुनता ही नहीं, वोट देने वाली जनता की फरियाद। ये बात भी सही है जनता की, क्योंकि बीजेपी वालों ने चुनाव के समय जो जो वादे किए थे कोई भी पूरे नहीं हो पाए। सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है देश भर में, जबकि बीजेपी के राज्य अध्यक्ष ने भी जनता से अभिवृद्धि और विकास को छोड़कर लौ जिहाद जिहादियों पर ध्यान देने की सलाह दी है कार्यकर्ताओं को। बजरंग दल कार्यकर्ता सुनील पर पुलिस थाने में हुआ आखिरकार मामला दर्ज। कल बजरंग दल कार्यकर्ता सुनील पर हमला करने के आरोप लगाकर बजरंग दल वालों ने शिमोगा जिला सागर तालुका ही बंद बुलाया था। इस पर हमले के आरोप में पुलिस ने समीर सहित 3 की गिरफ्तारी भी की है। समीर की बहन ने प्रेस मीट करके कहा कि मुझे सुनील रोजाना परेशान करता था, इसीलिए मेरे भाई ने ऐसी हरकत की है। और एसपी मिथुन ने भी इस पर बयान दिया कि सुनील समीर को कॉल करके बहन का नंबर मांगने की जानकारी पुलिस की जांच में पता चली है। इस पर समीर की बहन की ओर से सागर टाउन पुलिस थाने में शिकायत करने जाने पर कई घंटों तक पुलिस वालों ने मामला दर्ज करने से ही इनकार किया। आखिर रात के 11 बजे तक सभी मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों की ओर से थाने के बाहर जमा होने के बाद मजबूरन शिकायत दर्ज की गई पुलिस थाने में। बजरंग दल के कार्यकर्ता सुनील के खिलाफ एक बेटी के साथ हुई नाइंसाफी को लेकर कौन इतना आसानी से लेता है, जबकि सच्चाई जाने बिना ही सुनील के समर्थन में शहर बंद हो जाता है।
सिगरेट पर लिखावट गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ नाम दाखिल। मंडिया जिला चन्नापट्टना के एमएस दर्शन नामी युवक ने 6.9 सेंटीमीटर के छोटे से सिगरेट पर स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ नाम से छोटे अक्षरों में सिगरेट भर के लिखकर गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दाखिल किया है। इस युवक ने पूरे 7,186 अक्षरों को 160 बार लिखकर इन तमाम रिकॉर्ड्स को अपने नाम किया है। युवक ने काश के इसके इस जज्बे को देखकर तो लोग सच में स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ को समझ जाए। अपार्टमेंट में लगी आग हुआ बड़ा नुकसान। मंगलुरु के कदरी इलाके के जगन्नाथ अपार्टमेंट के बेडरूम में आग लग गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग को बुझाकर नुकसान होने से बचाया। ये फ्लैट किसी डॉक्टर का होने की बात कही जा रही है। अपने कपड़ों को आयरन करने के बाद स्विच ऑफ न करने से ये आग लगी, जिससे पूरे बेड और ब्लैंकेट्स के साथ साथ बाकी सामान जलकर राख हो गए। जनार्दन रेड्डी की ओर से जोरों पर चल रहा है चुनावी प्रचार। राजकोपल के गंगावती में पूर्व मंत्री गाड़ी जनार्दन रेड्डी ने अपनी नई पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष बनाने के बाद कांग्रेस के गढ़ गंगावती के सड़कों पर रोड शो में उतर गए जनार्दन रेड्डी, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन मिला। जनार्दन रेड्डी को इनके रोड शो को देखने से ऐसा लग रहा था कि सभी राष्ट्रीय दल इनके सामने फीके पड़ गए हों। ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि किस पार्टी को बहुमत दिया है जनता ने। 2 महीने में ही बिगड़ी रास्ते की हालत। रायचूर जिला मस्की तालुका के बड़गानूर गांव में पिछले 2 महीने पहले ही गांव को जोड़ने वाले मुख्य रास्ते को पूरे 8 करोड़ की लागत से निर्माण किया गया था, जो अब चॉकलेट की तरह बड़ी आसानी से निकलने लगा है रास्ता। क्या इसे देखने से लगता है कि इस रास्ते पर पूरे 8 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं? 40% कमीशन वाली बीजेपी सरकार का एक और नया रूप कह रहे हैं आरटीआई कार्यकर्ता। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।